आ गया होगा बेहतर तरीके से। चलो वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करो। देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 10 आइडेंटिकल सेल्स हैं ईच इन सीरीज आर नीडेड टू हीट ए वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। मतलब 10 आइडेंटिकल सेल्स हैं। चलो हम लोग 10 सेल्स यहाँ लगा लेते हैं, जस्ट वी अप्लाई द 10 सेल्स। ये एक प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस, प्लस माइनस इंटरनल डॉट 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 10 सेल्स है, और वो एक कनेक्ट है, एक वायर को हीट कर रहे हैं। यहाँ से एक वायर कनेक्ट है, उसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये एक वायर है ये, जिसकी लेंथ कुछ एल है। सपोज इट्स वायर हैव लेंथ एल, या नहीं तो और बेहतर तरीके से इसको मैं बनाऊं तो और अच्छे से इसको बना सकते हो कि अगर यहाँ से डायग्राम शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। तो एक वायर है और उसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ए वायर है, ऐसे कुछ इस वायर की लेंथ एल है, समझना। अब यहाँ से 10 सेल्स लग गए हैं, 10 सेल्स। अब इस वायर को कुछ करंट देंगे फर्स्ट केस में, ठीक है। इन सेल्स एंड लेंथ 1 मीटर, रेडियस आर है 10 डिग्री सेल्सियस, टाइम टी में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने हैं, दैट इज डेल्टा टी कैपिटल टी इज द टेम्परेचर। कहता है हाउ मेनी सेल्स आर रिक्वायर्ड टू 2 मीटर ऑफ द सेम रेडियस, सेम रेडियस का, ठीक है। दो वायर ले लो, अगर दूसरा डायग्राम बनाओगे तो ये प्लस माइनस डॉट 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 डॉट, मान लो एन सेल्स की जरूरत है, यही तो पूछ रहा है, ठीक है। एन सेल्स की जरूरत है और इसमें जो वायर आ जाएगा वो बच्चों टू, उसकी लेंथ बेसिकली 2 मीटर आ जाएगी। तो ये जो लेंथ है वो 2L है, मतलब 2 मीटर है, 2 मीटर है। पहले ये लेंथ 1 मीटर था, तो अब ये जो लेंथ है वो 2 टाइम्स L हो गया। तो इसमें हमें कितने सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी सेम टेम्परेचर डेल्टा टी 10 डिग्री सेल्सियस और सेम टाइम टी में, ठीक है। सेम टेम्परेचर सेम टाइम टी में कितने हमें नंबर ऑफ सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दो डायग्राम है प्यारे बच्चों, इन दोनों डायग्राम्स को हम एनालिसिस करेंगे तो हमारा सोल्यूशन बड़े आराम से मिल जाएगा। ये लेंथ उसका डबल है, पहले वाले का डबल है 2L। इसको मैं सर्किट फर्स्ट बोलता हूँ और इसको मैं सर्किट सेकंड बोलता हूँ। पहले सर्किट फर्स्ट का कंडीशन लिखेंगे, सर्किट सेकंड का कंडीशन लिखेंगे। तो सर्किट फर्स्ट में देखो, ठीक है, सर्किट फर्स्ट में अगर देखोगे तो यहाँ से अगर नेट करंट, हाँ फर्स्ट सर्किट अगर देखोगे, फर्स्ट वाली सर्किट में देखोगे बच्चों, तो यहाँ से जो नेट करंट आई की वैल्यू आ जाएगी, आई वो आई आ जाएगी, हम लोगों को मिल जाएगी नेट EMF अपन नेट रेजिस्टेंस होता है आर नेट ये वाला। तो नेट EMF कितना भाई, 10 सेल है, 10 सीरीज में है, तो 10 EMF ई, एक का EMF अगर ई मान लिया तो 10 का 10 हो जाएगा। और नेट रेजिस्टेंस ये जो है, ये सभी का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बोलो, 10 स्मॉल r, ठीक है। और इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा R1, ठीक है, उसको मैं R1 मान लिया। तो ये 10 स्मॉल r प्लस R1, और ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऐसे रहने देते हैं। ये करंट I1, क्लियर है। अब हीट जनरेट का क्या फार्मूला, हीट जनरेट होता है I² RT। ये अब अगर मैं I² RT हीट जनरेट पहले वाले के लिए लगाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा I² R1 और टाइम टी है, और दैट मस्ट बी इक्वल टू, आप थर्मल में पढ़े होंगे कि हीट अगर यूज होता है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तो वो होता है MC स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। अब इस रॉड का मास M1 हो और C और डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर और स्पेसिफिक हीट इसका और इसका सेम है, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल सेम है। तो ये आ जाएगा, ये तो ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द डेटा ऑफ द फर्स्ट सर्किट। चलो इसी तरह से हम सेकेंड सर्किट का डेटा लिखते हैं बच्चों। तो अगर मैं सेकेंड सर्किट का डेटा लिखूं इधर, तो देखो क्या मुझे मिलता है, इसमें नंबर ऑफ सेल्स, इसमें जो करंट I2 की वैल्यू आएगी, नेट करंट, देखो नेट करंट, नेट EMF कितने सेल्स मान लिए, n सेल्स मान लिए, तो नेट EMF n EMF डिवाइडेड बाई नेट रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस n स्मॉल r
प्लस इसका रेजिस्टेंस आर टू, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, दूसरे सर्किट का। भाई इसका ये जो वायर यूज हुआ है इसका रेजिस्टेंस आर टू हो गया होगा। चलो इसमें हीट जनरेट, अगर मैं देखूं हीट जनरेट वो आ जाएगा आई स्क्वायर टू, इसमें करंट आई टू, आई स्क्वायर टू, इसका रेजिस्टेंस आर टू और टाइम सेम है, और इसका मास एम टू और सी डेल्टा टी, दैट इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। तो ये हमारे पास चार इक्वेशन मिल गया, जो कह रहा था जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे हमने कर दिया। चलो अब आगे अगर हम देखें प्यारे बच्चों, आगे हम अगर कैलकुलेट करें तो एक काम करते हैं, ये जो सेकेंड इक्वेशन है और जो फोर्थ इक्वेशन है, सेकेंड में अगर फोर्थ से मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे कुछ डेटा मिलेगा, करंट में रिलेशन मिलेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ सेल कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ सेल करने के लिए करंट आई टू की कैलकुलेशन जरूरी है। तो आई टू की कैलकुलेशन कैसे होगी, आई टू तो यहाँ आया, तो इसको और इसको मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो डिवाइड इक्वेशन आई वन स्क्वायर आर वन डिवाइडेड बाई यहाँ से आई टू स्क्वायर आर टू इक्वल टू मास एम वन अपॉन एम टू, यहाँ से मुझे आई टू की वैल्यू मिल जाएगी आई वन के टर्म में। मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, वॉल्यूम वी वन अपॉन वॉल्यूम वी टू और डेंसिटी रो। तो ये रो डेंसिटी खत्म हो गया, वॉल्यूम एरिया क्रॉस सेक्शन पहले वायर का और लेंथ एल वन, दूसरे का एरिया क्रॉस सेक्शन और लेंथ एल टू। तो यहाँ से मुझे ए खत्म हो गया और यहाँ से मिल गया एल वन और एल टू, टू टाइम्स एल वन है डबल एल लेंथ के। यहाँ से आई वन स्क्वायर और यहाँ से आई टू स्क्वायर और पहले रेजिस्टेंस रो, रेजिस्टिविटी रो और लेंथ एल वन अपॉन एरिया क्रॉस सेक्शन ए और दूसरे का रो लेंथ एल टू एरिया क्रॉस सेक्शन ए। तो यहाँ से तुम देख रहे हो कि ये एल टू है, कुल मिला के एल टू है, तो एल टू ने एल टू को ख़त्म कर दिया, रो ने रो को ख़त्म कर दिया, ए ने ए को ख़त्म कर दिया, एल वन ने एल वन को ख़त्म कर दिया, मतलब यहाँ से मिल गया आई वन इज इक्वल टू आई टू। मतलब ये हो गया, एक इम्पॉर्टेंट बात मिल गया हमें यहाँ से, एक रिलेशन मिल गया कि इस सर्किट में और इस सर्किट में प्यारे बच्चों दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, ये जो ये हम लोग के पास जो इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और इस इक्वेशन टू, ये जो इक्वेशन टू है थर्ड है ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं इक्वेट कर दूँ तो मुझे एन की वैल्यू आ जाएगी। तो चलो यहाँ इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूँ तो मुझे एन की कैलकुलेशन हो जाएगी। तो चलो इक्वेट, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के बराबर लिख देता हूँ क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है। तो अगर करंट की वैल्यू सेम है तो यो जो इक्वेशन था वो था टेन ई एम एफ ई और टेन आर प्लस कैपिटल आर वन, यहाँ से मस्ट बी इक्वल टू दिस इक्वेशन एन टाइम्स ई एम एफ और डिवाइडेड बाई ये एन आर प्लस ये आर टू। तो यहाँ से हमने इक्वेट कर दिया, करंट की वैल्यू निकाल ली, दोनों बराबर है। अब इसी को अगर मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरा सलूशन हो जाएगा। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ई एम एफ, ई एम एफ ई ने ख़त्म कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 एन आर प्लस 10 टाइम्स आर टू इज इक्वल टू 10 एन आर और प्लस एन टाइम्स आर वन, ठीक है। तो यहाँ से 10 एन आर ये ख़त्म हो गया, तो यहाँ से मुझे 10 आर टू, आर टू की वैल्यू बोलो, आर टू की वैल्यू रो एल टू अपॉन ए इक्वल टू एन आर वन की वैल्यू रो एल वन अपॉन ए, ठीक है। तो ये सब खत्म हो गया और ये टेन एल टू अपॉन एन एल वन मिला। और अभी हम देखे हैं कंडीशन दिया हुआ था कि एल टू इक्वल टू टू टाइम्स एल वन दैट इज एन एल वन, तो एन की वैल्यू इक्वल टू 20 सेल्स। तो कुल मिला के हमें 20 सेल की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से प्यारे बच्चों। चलो तो फाइनली जो है यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये n इज इक्वल टू 20 सेल, दैट इज ए ऑप्शन हम लोग का सही है।